अय्याकन बदू अय्याकन अस्ताइन प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर और मैं हूं दोदो शाह जांग। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मुझे कुछ मिले, मैं कुछ बन जाऊं, मगर उसके लिए वो तकलीफें नहीं उठाता। याद रखी बेटा, अगरचे जंगे होनी है लेकिन घबराई नहीं, लोग बड़े आएंगे तुझे गिराने। लोग तो तुम्हें चांस ढूंढ रहे हैं कि कब इसको देखें, कब इसको गिराएं, कब इसके मौत का तमाशा देखें, कब इसकी 3-4 दिन रोके, इसको फिर निकले, फिर इस दुनिया से भगा दें इसको। बेटा रोज तो तेरे लोग तुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ, घबराई ना, मेहनत करी आगे बढ़ी। हमारे यहाँ मसाइल क्या है कि हमसे मेहनत तो होती नहीं, मेहनत कहाँ में ना गो, हम बस बैठे रहे, पूरा दिन रिलैक्स होकर बैठे रहे, कुछ करना ना पड़े। दुनिया के ये दास्तूर है, यहाँ तुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आज के बाद अभी से फैसला कर लो कि मुझे कभी भी खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को बिजी रखो, बिजी जमाना बिजी लोग। आजकल देखे जाए पिछले दौर में बहुत से लोग पढ़ते थे, बहुत मेहनत होती थी, बहुत इश्क मोहब्बत होती थी, लोगों से मिलते थे, लोगों की कदर होती थी, मगर आज इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को दुनिया से अलग कर दिया है। इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को तबाह के रगर रख दिया है। इस मोबाइल एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। हमारे सर तो फेल कहा करते थे जब हम वहाँ पढ़ते थे, वो कहते थे बेटा ये जो सेलफोन है इसकी वजह से बहुत से लोग होंगे जो दोजख में जाएंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल फोन। याद रखें इस मोबाइल को हद में रह के रिमेज करें। यार मसाइल क्या है, हमें तो एडिक्ट हो गए हम इस मोबाइल का, मोबाइल फोन एडिक्ट हो गए हम। रियली बताओ लोगों से, मतलब लोगों को जिया ही नहीं जाता है। लोग शावर में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ जाते हैं मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, लोग सिटी में जाते हैं वहाँ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल की वजह से बहुत से लोग गटर खानों में भी गिर चुके हैं, बहुत से लोगों ग्रे भी हैं, बहुत से लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, कभी कार में, कभी मोटरबाइक पर, कभी वहाँ पर, कभी पैदल चलते हुए, सेलफोन की वजह से। अब ये सेलफोन लोगों की दुनिया तबाह कर दी है। अब मसाइल क्या है कि एक होता है टीचर होता है, वो पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर लिखा होता है, खाल होता है उसमें लिखा होता है कि तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो स्टूडेंट होता है वो वहाँ पर लिखता है कि मुझे मोबाइल बनना है। तो टीचर कहता है ये देखो ये तेरा मेरा बेटा है जो कह रहा है खाल में लिखा हुआ है कि ये मोबाइल बनना चाहता है। हुजूर अल्लाह याद रखें जिस चीज़ को ज़्यादा कदर मिलती है ना उस चीज़ की लोग बनना चाहते हैं, और अपनी जो सेलफोन है इसकी वजह से फैमिली टूट गई है। पिछले दौर में क्या होता था, पिछले ज़माने में क्या होता था, लोग आते थे, बातें होती थी, मोहब्बत होता था, सब लोगों की कदर होती थी। अब जुल्म सितम ये है किसी के पास टाइम नहीं है, ये बकवास है। सब लोगों के पास टाइम है लेकिन सब लोग मोबाइल में बिजी हैं। इस मोबाइल ने अपनों से दूर किया है, औरों से मिलाया है। इस सेलफोन ने, इस मोबाइल ने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, मगर इस मोबाइल में बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी हो रही है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। मगर याद रखें इस मोबाइल की वजह से अपने रिश्ते ना तोड़ें, जो अपने हैं उनकी कदर करें। मोबाइल तो फिर भी आपको मिल जाएगी, जो तेरे अपने हैं वो वापस नहीं आएंगे, तेरे जो माँ बाप हैं वो वापस नहीं आएंगे। कोशिश करें उनको टाइम दें और बैलेंस रहें। आजकल के लोग पूरी रात तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल में एडिक्ट हो गए हैं, उनको आदत हो गई है, अब क्या करें, व्हाट वी कैन डू। मेरा ये मानना है अगर आप वाकई मोबाइल फ़ोन एडिक्ट तोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादातर मोबाइल में अपना वक्त ना ज़ाया करूं, तो टाइम बनाएं, अभी लिखें लिखें, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा लिखें, पेन उठाएं लिखें, प्रोग्राम को लॉक करें, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरा प्रोग्राम लाइव होता है मगर आप तक जहाँ तक पहुँचता है तब तक लाइव नहीं होता है। तो क्या करें,
अभी प्रोग्राम को लॉक करें और जाएं लिखें, पेन कॉपी उठाएं लिखें, जो मैं कह रहा हूँ उसको लिखें। ज़्यादा मैं भी बकवास नहीं करने वाला, शार बताता हूँ। लिखें कि आप 3-4 घंटे मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, उसके बाद आधा घंटा या कलाक यूज़ करेंगे। इस तरह कोई टाइम लिखें, इस तरह टाइम बनाएं। जब इस तरह टाइम बनाते हैं तो याद रखें आपकी ज़िंदगी संवरने लगती है। तब आपको मतलब जो एडिक्ट होता है, जो मतलब एक मतलब आदत होती है, वो आस्ता आस्ता टूटने लग जाती है। तो इस तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अब मसाइल क्या है, दूसरी बात आपको क्या करनी होगी, आपको अपने मोबाइल में देखना होगा कि इसमें यार ऐसे आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे मोबाइल में है, जो मेरे सेलफोन में है, जिसकी वजह से मैं अपना बहुत मोबाइल यूज़ करता हूँ। आखिर ऐसा मेरे मोबाइल में क्या है। ज़्यादातर मैंने रिसर्च की, मेरे दोस्तों से मैंने पूछा, चूँकि ये सेशन करता हूँ तो मैं बहुत कुछ देखता भी हूँ। वैसे तो इतनी ज़्यादा भी रिसर्च नहीं करता, बस प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ लोगों पे देखकर। मैं ज़्यादातर कहीं से नहीं जाता सुनने, ये वो नहीं करता, लोगों को देखता हूँ, वहीं से लेक्चर देता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता हूँ। तो मैंने देखा ज़्यादातर, मैंने अपने लोगों से पूछा, दोस्त थे उनसे पूछा, किसी ने कहा कि मेरे सेलफोन में तो भाई पबजी गेम है। मैंने कहा ले भाई तेरा बड़ा गरक। किसी ने कहा मेरे पास तो अपनी गर्लफ्रेंड है। किसी ने कहा सर मेरे पास तो लूडो गेम है, पता नहीं लूडो फूडो ये तो पता नहीं कैसे नाम है इनके। किसी ने कहा सर मैं तो पूरा दिन व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। किसी ने कहा सर मैं तो पूरा दिन फेसबुक पे ये कॉमेडी फनी ये वीडियोज़ देखता रहता हूँ। मतलब किसी ने कहा सर मैं तो बस ऐसे ही शोज़ वगैरह देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे अपना वक्त मतलब ऐसे ही देखता हूँ, कॉमेडी फनी न्यूज़ देखता रहता हूँ। मतलब बहुत सी लोगों के अजीब अजीब ख्याल थे, मतलब ज़्यादातर जो ख्याल थे वो बहुत निगेटिव थे। किसी ने ये नहीं कहा था कि मैं यार अपना सेलफोन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसमें लेक्चर सुनता हूँ, या मैं दो दो के सेमिनार प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर ये वो सब सुनता हूँ। ना किसी ने नहीं कहा। खैर मेरा प्रोग्राम तो हफ्ते में 2 बार आता है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं होता है। मतलब लोगों ने अपना टाइम जो है वो ज़ाया किया हुआ है। कोई गल नहीं, वक्त गुजर जाना है बेटा, आप भी गुजर जाओगे। गमे आशिकी तरह शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा कभी रूबरू दे सहारा, मैं जुनून का हम सफर हूँ मेरा कोई घर नहीं। जब जाहिरी बात है, याद रखें अल्लाह, याद रखें मोबाइल को यूज़ करना है हद में रह के, लिमिट में रह के। अगर मोबाइल में आप पॉजिटिविटी यूज़ कर रहे हो ना, अगर मोबाइल में अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो ना, तो ये मोबाइल आपको जन्नत तक पहुँचा देगा। और ज़्यादातर जो झूठ बोला जाता है वो मोबाइल पे बोला जाता है। अगर आप किसी से कॉल करें, हेलो कहाँ हो, हाँ मैं तो कराची पहुँच गया हूँ, इवन कि वो हैदराबाद पहुँचा होता है, जहाँ सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, खैर हो गई क्या, हाँ कि वो कराची पहुँचा नहीं है, कराची पहुँचने वाला है या कराची के नियर होता है। ज़्यादातर जो झूठ बोला जाता है, फेक आईडीज होती हैं, फेक मालूम होती है, वो इस मोबाइल में होती है, मोबाइल पर झूठ है। देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, इनको आपने डीप में जाना होगा। मेरी जो बातें हैं, मेरे जो अल्फाज हैं, उनके ऊपर गहराई से ना देखो। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा, ये समुंदर है ना, उसको ऊपर से ना देखो, इसके नीचे तो देखो। पूरे जहाज के जहाज डूब जाते हैं, पूरे बंगलास डूब जाते हैं, पूरे पता नहीं कितना बड़ा समुंदर है। तो ये बातें हैं, इसको भी गहराई से देखो। मैंने जो आज से तकरीबन बहुत से ऐसे कोटेशन में बोलता रहता था अक्सर बार जब मैंने बोला, ये तो कहा था कि अगर ज़्यादा सोचोगे तो मर जाओगे, तो इस पर बलबला पैदा हो गया मेरे, ये वो सब लोगों ने कहा यार ये क्या बात हुई, ज़्यादा सोचोगे तो मर जाओगे। तो मैंने इस पर पूरा सेशन किया था इस बात को समझाने के लिए, आखिर वो ऐसा क्यों। उम्मीद है आप लोगों ने वो सुना होगा, और आपको तो पता है कि हमारा सफ़र बहुत बड़ा था, जिस सफ़र में आप लोगों का साथ है, और इस साथ की वजह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और आज इसको 3 साल हो गए हैं। इस तरह अगर आपकी दुआएं चलती रही तो होगा, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप वाकई मोबाइल फ़ोन एडिक्ट छोड़ना चाहते हो, तोड़ना नहीं है, सेलफोन महंगा है, मैं समझ सकता हूँ, कोई तोड़ भी नहीं सकता, बस बैलेंस बराबर करें, अपना टाइम फिक्स करें कि मैं इस टाइम मोबाइल यूज़ करूँगा, इस टाइम में नहीं यूज़ करूँगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बहुत ज़ाया करते हैं, कभी वहाँ। कुछ लोग होते हैं लाइक कर दो, कुछ लोग होते हैं पर्सनल कमेंट करते हैं, यार ले लूँ ना वीडियो पे लाइक दो, कमेंट दो, ये करो वो करो। इस तरह जो होता है ना, ये लाइक ये वो
ये मतलब एक खच्चर डब्बे में पूरी पूरी की पूरी दुनिया आ गई है। सेलफोन छोटा सा डब्बा है जिसमें पूरी दुनिया आ गई है। कहीं ना कहीं इस मोबाइल का बहुत कुछ अच्छा भी इस्तेमाल हो रहा है, मगर ज़्यादातर जो हो रहा है वो बहुत निगेटिव हो रहा है। तो इससे हमें कोशिश करके, जो ये सेलफोन है, मोबाइल है, इसका हमें ज़्यादातर अच्छा यूज़ करना है, बुरा नहीं करना है। बुरा करोगे, याद रखो जो हमारे सर ने कहा था कि बेटा ये जो सेलफोन है ना, ये आपको दोजख तक भी पहुंचा सकता है, ये आपको जन्नत तक भी पहुंचा सकता है। इसमें कुरान भी है, इसमें हर चीज़ है, सिर्फ आपको डाउनलोड करनी है, देखनी है, ऐप्स पड़े हुए हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है, अवेलेबल पड़ी हुई है। जहाँ तक कि देखो, टेक्नोलॉजी ने आज दुनिया में बहुत तरक्की की है, इसके साथ इस टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ तबाह भी किया है, बर्बाद किया है। दुनिया में देखो गलत भी है, सही भी है, चूज़ आपको करना है। याद रखो, गलत चूज़ किया, टेम्प्ररी फ़न आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो गया आप टेम्प्ररी, मगर याद रखिए वो फिर आपको तबाह कर देगा, वो फना कर देगा। जो लेक्चर में अपने हर लेक्चर में बताता रहता हूँ अक्सर बार कि ये बेटा आज मेहनत कर लो, आज तकलीफ़ उठा लो, सारी ज़िंदगी आराम से रहोगे। अगर तुम आज तकलीफ़ नहीं उठाते, अगर तुम आज नहीं मेहनत करते ना, फिर याद रखना पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी होगी। अब मर्जी आपकी है, चॉइस आपको करना है, या अभी मेहनत करनी है या बाद में मेहनत करनी है, मगर मेहनत तो करनी होगी, ये दुनिया का ला है, चाहो ना चाहो मेहनत तो तुझे करनी होगी। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो अपना पूरा वक्त इस मोबाइल पे ही ज़ाया कर दो, या कोई अच्छा काम करके ज़ाया कर दो, या पढ़ के ज़ाया कर दो, या कैसे भी ज़ाया कर लो, ज़िंदगी तुम्हारी है। मगर याद रखें, टेम्प्रेरी फन परमानेंट पेन, टेम्पररी पेन परमानेंट फन। चॉइस आपको करनी है, क्या करना चाहते हो, टेम्पररी मजा चाहते हो या परमानेंट फन चाहते हो। हर कोई चाहता है कि मैं परमानेंट फन चाहूँ, तो बेटा टेम्पररी पेन दो, टेम्पररी पेन दो। अभी मेहनत करो, मोबाइल फ़ोन का टाइम बनाओ, और ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो, ज़्यादा मोबाइल ना यूज़ करो, अपना टाइम बनाओ, फिक्स रहो, टाइम पे रहो, पाबंद रहो। और लोगों के साथ जुल्म तो ऐसा ही, लोग चलते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, यहाँ वहाँ, इनसे बच जाओ, इनसे बच जाओ। मोबाइल अपने पास रखो, मगर उसकी हद में रह के रखो, उसे अपनी टाइम और लिमिट के मुताबिक यूज़ करो, ज़्यादातर मोबाइल ना यूज़ कराओ, क्या करो। वक्त को गुजर जाना है, हर चीज़ को गुजर जाना है, अपने वक्त की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो, अपना वक्त ज़्यादातर मोबाइल पे यूज़ ना करो। मोबाइल से बचना है, मोबाइल यूज़ करना है हद में रह के, ज़्यादा वक्त सेलफोन पर ना यूज़ करो। आज के बाद अभी से आपको फैसला करना होगा कि आप अपना टाइम लिमिट करोगे, ज़िंदगी में कोई मकसद ऐड करो, ज़िंदगी में कोई मकसद लाओ, अपनी ज़िंदगी में मकसद लाओ। जब आपकी ज़िंदगी में मकसद होगा ना, तो ये मोबाइल सेलफोन काम के अलावा आप कभी यूज़ नहीं करोगे। ये वो मोबाइल, ये वो लोग होते हैं जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो वैली लोग होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता है, जिनको पता ही नहीं है कि मैं दुनिया में क्यों आया, जिनको कोई तड़प ही नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या हूँ। ये ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में मकसद होता है ना, वो ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करते। याद रखें, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मकसद आ गया ना, तो आप अपना टाइम ज़्यादातर मोबाइल सेलफोन यूज़ करने में ज़ाया नहीं करोगे। वक्त गुजरा है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद लाएं और सेलफोन से बचें, सेलफोन यूज़ करें सिर्फ अपने काम के लिए, ज़्यादा बात बकवास के लिए सेलफोन यूज़ ना करें। मोबाइल एक अच्छा टूल है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा औजार है, अच्छी चीज़ है, अगर तुम अच्छे हो तो, अगर तुम इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो। मोबाइल का एक अच्छा टूल है अपने, और तो इसको सही से इस्तेमाल करो और अपनी ज़िंदगी में मकसद ऐड करो। जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद आ जाएगा ना, फिर आप फालतू में अपना वक्त ज़ाया नहीं करोगे मोबाइल पे, सेलफोन पे। वक्त गुजरा है, ख़त्म नहीं हुआ, कम ऑन, ज़िंदगी में मकसद ऐड कर दो अभी से। टाइम फिक्स करें, मैं किस टाइम पे यूज़ करूँगा, टाइम फिक्स करें अपनी ज़िंदगी का, टाइम फिक्स करें, नहीं तो वक्त आ जाएगा, आपका भी टाइम फिक्स हो जाएगा और आप चले जाओगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।